हेलो दोस्तों, रेडियन टीचिका में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपसे एक बहुत ही अमेजिंग रेमेडी को शेयर करने वाली हूँ कि कैसे आप अपने बालों को लंबा, घना और मजबूत बना सकते हैं, अपने बालों को झड़ने से रोक सकते हैं, बालों की लंबाई को बढ़ा सकते हैं और साथ ही अगर आपके हेयर में डेंड्रफ हो गई है तो उससे भी छुटकारा पा सकते हैं। ये रेमेडी दोस्तों बहुत ही सिंपल है लेकिन इसके ढेर सारे फायदे हैं, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जब भी कोई वीडियो को अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले एक बॉल को ले लेना है और इसमें 3 से 4 चम्मच मेथी दाना को डाल देना है। अब हमें इसमें 1 गिलास पानी को डाल देना है और इसे रात भर ढककर फूलने के लिए रख देना है। रात भर भी अच्छे से फूल चुका है दोस्तों। अब हमें एक बड़े से बर्तन को लेना है और इसमें इस मेथी दाना को डाल देना है। और साथ ही इसमें 1 गिलास और पानी को डाल देना है। अब हमें दोस्तों इसे गैस पर 4 से 5 मिनट तक उबाल लेना है। मेथी का दाना, जी हाँ दोस्तों, मेथी का दाना ये एक छोटी सी चीज है दोस्तों लेकिन इसमें ढेर सारे गुण मौजूद हैं। मेथी दाना हमारे सेहत के लिए जितना ज्यादा फायदेमंद होता है दोस्तों उतना ही ज्यादा ये हमारे स्किन के लिए और हमारे बालों के लिए भी होता है। ये अच्छी तरह से उबल गया है दोस्तों, इसका पानी भी आधा सूख चुका है। अब हमें फ्लेम को ऑफ कर देना है। अब हमें इसे एक स्ट्रेनर में डालकर इसके पानी को छान देना है। अब हमें इसमें 1 चम्मच कैस्टर ऑयल को ऐड कर लेना है दोस्तों। अब हमें इसमें आधे कटे हुए नींबू को डाल देना है दोस्तों। दोस्तों नींबू हमारे स्कैल्प के इन्फेक्शन को दूर करता है, हमारे बालों से डैंड्रफ को दूर करता है और साथ ही नींबू हमारे ग्रे हेयर को काला बनाता है दोस्तों। और अब इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। आप इसे किसी कॉटन बॉल की सहायता से या स्प्रे बोतल में डालकर इसका इस्तेमाल करें। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको इसे लगाना कैसे है। दोस्तों आपको इसे नहाने के आधे घंटे पहले अपने बालों की जड़ों में और बालों की पूरी लंबाई पर लगाना है और 4 से 5 मिनट तक हल्की हल्की हाथों से मसाज करना है। 4 से 5 मिनट तक मसाज करने के बाद दोस्तों आपको इसे आधे घंटे तक अपने बालों में लगे रहने देना है और आधे घंटे के बाद आपको इसे नॉर्मल पानी से धो लेना है। मेथी दाना में दोस्तों आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम ऐसे बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं, साथ में विटामिन ए, बी और सी भी भरपूर मात्रा में पाया जाता है दोस्तों। ये हमारे स्कैल्प से डैंड्रफ को रिमूव करने में काफी मदद करता है दोस्तों, हमारे बालों को ग्रो करने बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है, हमारे बालों को सिल्की शाइनी बनाता है और साथ ही अगर आपके बालों में बहुत ज्यादा हेयर फॉल हो रहा हो तो ये उसे भी दूर करता है, आपके बालों में एक नई जान डाल देता है दोस्तों। मेथी दाना वीक में 2 से 3 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। ये 100% नेचुरल रेमेडी है। ये रेमेडी आपके बालों की ग्रोथ को बढ़ाएगा, आपके बालों को झड़ने से रोकेगा, आपके बालों की लंबाई को बढ़ाएगा और साथ ही आपके डेंड्रफ को हटाएगा, आपके बालों को सिल्की और शाइनी बनाएगा, आपके ग्रे हेयर को काला बनाएगा। आप इसका इस्तेमाल करें और मेरे साथ इसका फीडबैक जरूर शेयर करें। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल रेडियंट रुचिका को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो में बस इतना ही, मैं आपसे फिर मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।